ये पेन को ये देखिए आप। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बहुत टाइम के बाद मैं आई हूँ वीडियो बनाने और इस वीडियो में मेरे साथ नहीं आएंगी आ भी नहीं गई उसमें। तो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरा मुंह कुछ इतना ज़्यादा बड़ा आ रहा है और आज हम बना रहे हैं गेट रेडी विद मी वीडियो, ठीक है। तो मुझे आपा जी करेंगी मेरा मेकअप, ठीक है, और क्या बस स्टाइलिंग भी थोड़ा बहुत स्टाइलिंग, थोड़ा बहुत मेकअप, देखते हैं कैसा होता है, क्या असर होता है मेरा आखिर में। जैसा मेकअप होगा उससे रिलेटेड फिर हम आउटफिट हम बाद में लगाएंगे। हम उल्टा कर रहे हैं, लोग पहले आउटफिट सेलेक्ट करते हैं फिर मेकअप करते हैं, हम मेकअप के साथ साथ आउटफिट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे सारे काम उल्टे होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे, क्या लगेगा मेरे मुँह पे, इतनी अच्छी त्वचा होगी। व्हाट आर यू डूइंग विद मी, व्हाट इज दिस, मेरे बाल खींच रहे हैं। मुझे ये पता नहीं क्यों है ये ऐसे, ना ये इससे ज्यादा बड़े होते हैं ना मैं इनको काट सकती हूँ जी। ये बोले मैं जी लगाए, वैसे तो क्लीन ही है। यस याद नहीं तुम मेरी बेइज्जती करो। इतनी अच्छी शक्ल है वरना ऐसी आ रही थी, वरना मेरी स्किन पे ऑयल ही कितना आ जाता। तो सबसे पहले हम वो चीज करेंगे प्राइमर। आवाज़ भी नहीं आ रही थी, थोड़ा जोर से बोलो। सबसे पहले हम लगाएंगे इनकी स्किन पे प्राइमर। लगा भी दीजिए गाइस, इस मेकअप से आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इवेंट्स पे रेडी होने। मेरी बहन बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, रोज कोई 12-13 क्लाइंट्स होते हैं उसके, ब्राइडल मेकअप करती है। ऐसा करती हूँ ना बार बार आते बस फिर ब्राइड नहीं लगती। फाउंडेशन यूज करेंगे, अच्छी कवरेज देता है। मेरे हेड में इतना एक हो रहा है, हम सर के दर्द को हेडेक बोलते हैं ना, तो हम घर में बोलते हैं हेड में एक। सॉरी गाइस, मैं ब्यूटी ब्लेंडर को भिगोने चली गई थी। भिगोने गई थी, भिगोने इस टूने को। ओके अब हम थोड़ा फुल धमाकेदार मेकअप करना, फुल मेकअप नहीं करते तो फिर वो नीचे लगेगा। गाइस लुक एट दिस डिफरेंस, गिरे गिरे नहीं लुकिंग ग्रेट। So guys, we are done with foundation. इधर भी हम बोटैनिक्स का ही यूज़ करेंगे। हमारे पास दो शेड्स हैं। Guys, I'm all
फेयर एंड लवली, जस्ट फेयर नॉट लवली। कलर्स तो ऑलमोस्ट सेम है और पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। ये ब्रश गंदे हुए। ब्रश तो धो लिया करे बहना। मुझे कोई खास सारे मेकअप करना आता है नहीं, तो जैसे जैसा लाइट लाइट मुझे आता है मैं वैसे। तुम बताओ कौन सा कलर लगाओ। एक हमारे पास ये पैलेट है, कौन सा कलर लगाया जाए इसमें से। हाँ हमारे पास एक रिवाज की ये वाली पैलेट और एक इसमें से भी तुम यूज करो। उसके और इसके शेड्स तो बहुत सिमिलर है ना, तुम बताओ तुम क्या पहनना चाहोगी फिर उसी हिसाब का कलर करो। आउटफिट तो बाद में डिसाइड करना, पहले तुम अपनी मर्जी का मेकअप करो। ब्लूश कर दो कुछ, वो तो हम करते ही रहते हैं ना वो शेड्स। ब्लू इज नाइस, तो हम इस पैलेट में से ये ट्वाइलाइट कलर है इसे ले रहे हैं। गाइस फिर डार्क हो गया ना, ना भूख मारी इसने सब जर्म्स रेसिड्यू गिर गया था ना। इतनी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है यहाँ से ढेर ऐसा। वो मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी ना, मैं कौन सा हर वक्त प्रोफेशनल मेकअप करती। थोड़ा सा जो बाहर आ गया है उसको तुम इससे कवर कर लो। पाउडर ओ आईब्रोज तो बनाई नहीं, सॉरी गाइस रह रह के याद आ रहा है। अच्छा हम आईब्रो पैलेट ही मिस रोज की यूज कर रहे हैं। मोटी आईब्रो इस पे से ट्रक भी चलती जा सकती। अच्छा जी अब हम लगाएंगे वो वाला कलर है जो आपका न्यू चला हुआ है ना। मैं गीला गीला हाथ लगा दिया सूख गए यहाँ से। अभी हमने बोटैनिक्स का ही यूज़ किया है, देख लीजिए रिजल्ट्स आपके सामने ही बड़े आएंगे इनके। चार की हमारे पास पैलेट है नशान की, से मैं बहुत ही लाइटी बेबी पिंकिश ये वाला कलर लूंगी। देखिए बड़ा अच्छा हाइलाइटर है, इधर देखिए सो ग्लोई। इस पैलेट में से मैंने ऊपर वाले दो कलर यूज किए। लाइनर हमने ये लिया था, पता नहीं किसका है ये, हमने चेस से था स्टिकर लगा हुआ। लगा दीजिए बाप हमारे, उनको नहीं करेगा आप क्या लगा दी यार। लाइनर सही लगता है, तुम ऐसे मत लगाना। पता क्या करूँ इसकी स्टिक से इस कलर स्टूडियो का विकेट है। मुझे पता है इसको कैसे सही करते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। गाइस एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, मेरी आंखों में ये चला जाएगा।
ओके गाइस तो मस्कारा लग चुका है, अब लिपस्टिक रेडी। बस इन स्टाइल के दो शेड हैं टॉप फेस की, बीजली लगा दो, ये थोड़ा सा मिक्स करके मैं लगाऊंगी। लेकिन पहले फिर मैंने ना ये लगा यार, वो वाली खुशक खुशक हो जाती। तो हम करेंगे लिप्स को लाइन कॉस्मिक की इस ब्राउन शेड से। डॉट्स अप्लाई करूंगी इसको तो फसल ले कर छोड़ो। बाकी ब्राउन अप्लाई करूंगी। ये ग्राउंड तो नहीं है, सो गाइस हमारा मेकअप हो चुका है और अब हम करेंगे स्टाइलिंग। ठीक है, क्या करूँ स्टाइलिंग? तुम जो आए अच्छा फिर तुम मुझे ड्रेस निकाल दो। ड्रेस गाइस लाइट बंद होने के बाद ऐसा लग रहा है मेरा मेकअप। ठीक है, अब मैं कोई ड्रेस पहनूंगी, फुल स्टाइलिंग करेंगे हम। अब दे दो ये पहन। नहीं ना, अजीब लगेगा। एक तो लगा के तुम्हें देखूं। मम्मा लाइट तो चलाएं, लाइट में। तो गाइस एक ये आउटफिट है जिसके साथ चल रहा है, पहन के देख। अब यही पहन लेते हैं। ये मैंने ये नहीं पहनना, ये बहुत लाइट है। ये भी लाइट है बट इट इज सम काइंड ऑफ फैंसी, ये नेट का है। ठीक है गाइस, वैसे तो मुझे लग रहा है मुझे ये ही पहन लेना चाहिए, लेकिन इसके मैचिंग का मेकअप नहीं किया ना मैंने। तो गाइस मैं ये पहनूंगी, ये देखिए आउटफिट इसके साथ मैच हो रहा है। मैं पूरा रेडी होकर आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ ये बोलेंगे मैं पीछे से आ गई। आई होप आप लोग को आज का लुक अच्छा लगा होगा। मेरी बहन ने काफ़ी मेहनत की है मेरे मुंह पे। ठीक है, इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। ब्लॉग से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।